Hi guys, welcome back with new video. So if you are first time in my channel, so don't skip it. Once again, please subscribe my channel and also click the bell icon. Okay, so this is second topic, yani lessons 2, and in this video you will able to learn the all tools and graphics in Animate CC. शुरू करते हैं लेफ्ट साइड में जो टूल है टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एट फर्स्ट सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल है, इसमें सिलेक्शन कर सकते कोई भी चीज़, ठीक है, और उसको भी दबा के भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. अगर कोई दूसरा टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया लेकिन मेरे को सिलेक्शन करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए मेरे को, तो भी दबा के मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ. सो माउस ओवर किया तो उसका साइड में सिलेक्शन टूल का जो शॉर्टकट है वो भी दे देते हैं, राइट. तो उसके बाद ये सब सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन तो किया, सिलेक्शन के भी सब सिलेक्शन होता है, ठीक है. फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसफॉर्म के लिए, स्केल के लिए, सब चीज़ें करने के लिए. या फिर कुछ है, या फिर 3D ट्रांसलेशन टूल, यानी जी प्रेस करके हम लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं. यहाँ पे लेसो टूल फोटोशॉप में था. उसके बाद ये एक पैनल हो गया, उसके बाद नीचे का जो पैनल है इसमें टूल मतलब ड्राइंग करने का कुछ टूल है. यहाँ पे तो सिलेक्शन करने का 5 ही टूल है, यहाँ पे ड्राइंग करने का पेन टूल है. पेन टूल से हम लोग ऐसे ऐसे करके ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन लाइन नहीं दिख रहा है क्योंकि व्हाइट है. ओके, ये सिलेक्ट किया क्योंकि ये पे सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट करने के लिए कोई चाहिए ना. ऐसा करके ड्रैग किया, माउस लेफ्ट की प्रेस करके मैंने, ठीक है, तो इसको डिलीट कर दिया मैंने और यहाँ पे जाके कलर चेंज कर दिया, ब्लैक रखा है, ठीक है. तो पेन टूल से ऐसा ऐसा करके मैं कोई भी चीज़ बना सकता हूँ, ड्राइंग कर सकता हूँ. उसके बाद इंटर दबाना पड़ेगा और ऐसा करना पड़ेगा. उसके बाद टी से हम लोग क्या कर सकते हैं, टी से हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं. Let's grow up. Okay. So after that, line tool काफ़ी important है. So यहाँ पे हम लोग break करके करके ऐसे ऐसे करके कोई भी चीज़ drawing कर सकते हैं ना. हो गया line tool. Then यहाँ पे कुछ shapes है, like rectangle, oval. Rectangle है इसके नीचे एक, यहाँ पे दो है, एक normal rectangle है, उसके बाद नीचे है इस टाइप का रेक्टेंगल. यहाँ पे जाके यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स आया है, पॉइंट्स, ठीक है. इसको हम भी दबा के इसको सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद आया तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक. यहाँ पे भी कर सकते ना प्रॉपर्टीज से, ओके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा भी डिजाइन करने के लिए. तो यहाँ पे ओवल दिया है, किस टाइप का, दो टाइप का ओवल, प्रिमिटिव टूल और ओवल टूल. प्रिमिटिव टूल दिया है ना, जो पाई है वो सारे चीज यहाँ पे कर सकते, पाई है ना, पाई डिजाइन. बहुत बढ़िया. सो ये सारे चीज़ हम लोग कर सकते. सो उसके बाद यहाँ पे दे दिया है ये पॉलिस्टर, ये तो पता है हर चीज़ का एक आउटलाइन आ गया. अगर आपको आउटलाइन जरूरी नहीं है तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, आउटलाइन को क्लिक किया तो एक बार क्लिक किया तो जहाँ पे कार्व होता है पूरा सिलेक्ट नहीं होता है, जहाँ पे कार्व होता है उतना ही सिलेक्ट होता है. डबल किया, क्लिक किया तो पूरा सिलेक्ट हो गया. तो फिर यहाँ पे पेंसिल है, पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकते. फिर यहाँ पे ब्रश है, ब्रश से भी हम लोग ड्राइंग कर सकते ना. उसके बाद नीचे एक पैनल है जहाँ पे कलर करने का ऑप्शन है, इरेजर है, इरेजर,
आपको माइक्रोसॉफ्ट पेंट पता है तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी कलर करने का ऑप्शन है। सो यहाँ पे एक नया फीचर्स दिया है कैमरा, कैमरा बाद में सीखेंगे अभी नहीं। तो यहाँ पे हाथ हाथ का एक ऑप्शन दिया ना, हाथ टूल का, इसमें क्या होगा ना, ये स्पेस बार दबा के भी आता है, भी दबाया स्पेस बार प्रेस किया तो ये आ गया, स्पेस बार डाला तो ये आ गया शॉर्टकट में, ठीक है। यहाँ पे जूम जूम टूल करने के लिए मेरे को अगर जेड, इसका शॉर्टकट है जेड, जेड डालेंगे तो जूम आ जाएगा, हाथ स्पेस बार डालेंगे तो हाथ आ जाएगा। हाथ किस लिए, हाथ से हम लोग इसको इधर उधर घुमा घुमा के देखते हैं ना, अगर जूम में काम कर रहा हूँ, जूम करके काम कर रहा हूँ तो कंट्रोल माइनस से छोटा होगा, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा। सो ये टूल का सारे फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी भी दबा के इसको क्लिक करके डिलीट कर दिया मैंने, तो ये सारे चीज़ मैंने हम लोग जान लिया। चलो अभी एक ड्राइंग करके दिखाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा। सो ड्राइंग करने के लिए मैंने क्या लूँ, पेंसिल ले लिया, ठीक है। तो पेंसिल ले लिया, तो पेंसिल से मैं ऐसा कर रहा हूँ तो स्ट्रेट स्ट्रेट हो रहा है। यहाँ पे जाके नीचे दो फीचर्स है, इसको जाके मैंने स्मूथ कर दिया, ठीक है, हो गया ना। सो सबसे पहले मैंने ड्राइंग करता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, क्या बनाऊँ अभी बताओ, कुछ बनाते हैं। तो ड्राइंग का जो ब्रश, इसको हम लोग छोटा बड़ा कर सकते कि कीबोर्ड में जो क्या बताऊँ उसको, थर्ड ब्रैकेट है ना, थर्ड ब्रैकेट का ऑप्शन से ऊपर में बैकस्पेस के नीचे थोड़ा लेफ्ट, थर्ड ब्रैकेट का जो ऑप्शन है वो दो की से प्लस माइनस, मतलब ब्रश छोटा बड़ा होता है। तो मैं एक बार हर चीज़ में करके दिखा रहा हूँ, पहले मैं पेन टूल से, पेन टूल से पहले कोशिश कर रहा हूँ एक पेड़ बनाने के लिए, है ना। पेन टूल का शॉर्टकट है पी, भी दबाया हो गया, फिर पी दबाया, फिर बड़ा किया, ओके। अभी जेड दबाया तो जूम हो गया मेरा, ठीक है। स्पेस बार दबाया तो हाथ आया, ऐसा किया, फिर भी दबाया इसको ये करने के लिए, सही करने के लिए, कंट्रोल माइनस करके छोटा कर रहा हूँ, फिर स्पेस बार दबा के ऐसा कर रहा हूँ, फिर पेन टूल से मैंने इतना किया, अभी लाइन टूल से इसको जोड़ेंगे, ये ऑन होना चाहिए, स्नैप टू ऑब्जेक्ट और ऑटोमेटिक ले लेते हैं ना लाइंस, स्पेस बार दबा दबा के कर रहा हूँ मैं। अभी क्या कर रहा हूँ, पी दबा के मैंने कुछ ग्रास वगैरह बना रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो मैंने फिर यहाँ पे एन दबाया, भी छोटा किया, हो गया। फिर मैंने वाई दबाया, ब्रश पेंट ब्रश, इससे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा करके, ठीक है, सेम वाई दबाया, हर टूल का एक एक फीचर से इसमें आप काम कर सकते हैं। थोड़ा स्पेस बार, लाइन डिलीट, लाइन डिलीट, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है। तो अभी कलर भरेंगे, तो यहाँ पे कलर है, फिल कलर, स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक यानी ये जो लाइन है इसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो फिल कलर मैंने डाल दिया ग्रीन, वाह, नीचे का कलर डाल देते हैं ऐसा, क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा जूम करना पड़ेगा क्योंकि लाइन थोड़ा गैप है,
लाइन कहीं पे ना कहीं पे मैच नहीं है। हाँ अभी हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ओके। अभी पीछे थोड़ा क्लाउड बना देते, इससे नहीं है। इससे क्लाउड हो गया बस। सो बाद में हम लोग लाइन को डिलीट कर सकते, अच्छा लगेगा देखने में। तो ऐसा करके हम लोग ड्रॉ कर सकते। तो जो मैंने बताया कि इस वीडियो में टूल और ग्राफिक के ऊपर बात करेंगे, तो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लाइब्रेरी अभी ब्लैंक है, ब्लैंक। ओके गाइज, कुछ नहीं है लाइब्रेरी में। कुछ होता है तब जब इसको हम लोग ग्राफिक बनाते हैं। एक्चुअली फ्लैश यानी एनिमेट सीसी के अंदर तीन फंडा काम करते हैं। इसको मैंने पकड़ के F8 दबाया तो एक कन्वर्ट टू सिंबल आया। यहाँ पे टाइप क्या चाहिए मेरे को, मूवी क्लिप। डिजाइनर के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि मूवी क्लिप में इफेक्ट्स और एक्शन यानी कोडिंग का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस बटन भी कोडिंग के लिए काम होता है, और ग्राफिक्स बनाते हैं हम लोग ओनली ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स का काम कर रहा हूँ अभी। ग्राफिक्स बनाया तो सिंबल वन ऑटोमेटिक आ गया। इसका नाम देना पड़ेगा gr_tree। बस देखो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ गया। तो अगर यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ ना, इसलिए लाइब्रेरी। तो बहुत सॉफ्टवेयर है जिनका अपना लाइब्रेरी नहीं है, ओनली एनिमेट सीसी, और इसलिए ये काफ़ी फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस, आज का वीडियो में मैंने इतना ही डिस्क्राइब किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक शेयर कॉमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा एनिमेशन एंड प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सी यू अगेन सून। हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल लेट्स ग्रो अप एंड क्लिक द बेल आइकन टुडे फॉर फर्स्ट नोटिफिकेशन।